हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज जस्ट लेट्स टॉक, आज सिर्फ आपके साथ बातचीत करने वाले हैं हम, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड प्लस 2, बिकॉज आई एम डेड श्योर इन मोस्ट ऑफ द स्कूल क्लास 9th एंड प्लस 1 स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एग्जाम्स थ्रू ऑनलाइन मोड, सो दे आर रियली हैप्पी कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ऑनलाइन मोड में तो सर हम कर लेंगे, मैनेजेबल चीजें हैं, कोई खास बात नहीं है। बट फॉर क्लास 10th एंड प्लस 2 दे हैव टू अटेम्प्ट देयर एग्जाम्स इन द ऑफलाइन मोड। और अभी तक बिकॉज डेट शीट आने के बाद से आप सब लोग बहुत ज्यादा वरिड हो चुके होंगे कि भाई अब तो करना पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन, अब तो पढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन डेट शीट आई होगी आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना एक टाइम टेबल फ्रेम किया होगा जो कि अब तक शुरू नहीं हुआ है। आई एम श्योर अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि हम टाइम टेबल बड़ी तेजी से बनाते हैं और तकरीबन हम 4 to 5 hours डिवोट करते हैं टू फ्रेम अ टाइम टेबल, एंड देन हम उसके अनुसार एक या दो दिन भी प्रॉपरली नहीं चल पाते। डजंट मैटर, कोई खास बात नहीं है, आपने प्रिपेयर किया है वेल एंड गुड। अगर आपने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं भी प्रिपेयर किया है तो इट्स नॉट कि जिन लोगों ने टाइम टेबल प्रिपेयर नहीं किया वो लोग अच्छा नहीं कर सकते। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि सर अब तो टाइम ही हमारे पास मार्च और अप्रैल रह गया, जिसमें मार्च में हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी हैं, सो वी जस्ट हैव 1 month, दैट्स अप्रैल, सो हाउ विल बी एबल टू अचीव गुड मार्क्स और कैन वी क्लियर दीज एग्जाम्स दिस ईयर? यस, दैट्स मोर देन इनफ टाइम इफ यू हैव अ विलिंगनेस टू डू। अगर आपके अंदर ये एक इच्छा शक्ति आ चुकी है कि हमें करना है तो डेफिनेटली दिस इज इनफ टाइम, तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स विल बी डिस्कसिंग अबाउट फॉर क्लास 10th एज वेल एज फॉर क्लास प्लस 2। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि करें कैसे, क्योंकि पहला स्टेप जो बड़ी भारी प्रॉब्लम आ जाती है वो ये है कि हम इससे पहले तक क्या करते थे, लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर्स को देख करके हम प्रिपेयर कर लेते थे कि ये दिस इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन और इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे, बिकॉज 10th के पास भी प्रोबेबिलिटी है, प्लस 2 वालों के पास भी प्रोबेबिलिटी है। वो एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग काफी हद तक क्लियर रहते हैं, स्पेशली 10th वालों का तो मुझे फॉर श्योर है, प्लस 2 थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्लस 2 के अंदर आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है तो थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। बट फिर भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी आपको प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकाल पा रहे बिकॉज टोटली एग्जामिनेशन आपका पेपर पैटर्न सारा बदल चुका है, आपके पास जो केस स्टडी नया कंसेप्ट आया है उसने आपके माइंड को काफी हद तक टेंस कर दिया होगा कि केस स्टडीज क्या हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो केस स्टडी वाली बात है उसके बारे में मैं आपको स्पेशली बता दूं, केस स्टडी इज नथिंग और है क्या, ओनली अ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन है, सिर्फ नया, इतना नया कि उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई है, एंड नथिंग एल्स, वही सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैं जो आपने अपने बड़े क्वेश्चंस में, जब क्लास प्लस 2 के पास 6 marks क्वेश्चन आते थे, क्लास 10th के पास 4 marks के बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे, वो इन्होंने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, एंड केस स्टडीज नथिंग एल्स। तो एक अपने माइंड से बर्डन हटा दीजिए कि केस स्टडीज समथिंग बिग इशू, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को रीड आउट करके अंडरस्टैंड करना है एंड देन जस्ट हैव टू अटेंड द एमसीक्यूज, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो घबराइए नहीं। तो जिन्होंने अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो कैसे करें भाई, सबसे खास बात, बाकी सालों के एग्जामिनेशन में और इस साल के एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा अंतर है जो आपको समझना पड़ेगा, वो क्या है,
कि अभी तक एग्जाम्स आपके फेब में एंड में या मार्च फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाते थे, और फेब एंड और मार्च फर्स्ट वीक में हल्की हल्की ठंडक रहती है, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं आती है, लेकिन इस बार आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं मई में, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया काफी गर्मी होने वाली है, और साउदर्न पार्ट में भी ऑटोमेटिकली काफी गर्मी होने वाली है इस बार। तो इस बार के एग्जामिनेशन जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, उनकी तरह से आपको देने होंगे, बिकॉज ग्रेजुएशन एग्जाम्स आर जनरली इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ द अप्रैल और इन द बिगिनिंग ऑफ द मई। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने वाले हैं, यानी कि गर्मियों में एग्जाम देने वाले हैं। एक बात, गर्मियों में जो स्टडी जब हम करने बैठते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन का जो टाइम है वो बहुत कम हो गया सर्दियों के मुकाबले में, एज कंपेयर टू द विंटर्स। समर्स के अंदर आपके जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, यानी अगर आप विंटर्स में एग्जैक्टली 1 आवर या 2 आवर्स तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते थे, तो इन द मंथ ऑफ समर्स आपकी कॉन्सेंट्रेशन 50% डिक्लाइन कर जाती है, तो एक बहुत बड़ा इश्यू ये भी रहता है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि गर्मियों के अंदर मैथमेटिक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सर्दियों के मुकाबले में बेटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपको रजाई नहीं चाहिए, आपका फैन चल सकता है, और यू कैन यू नो स्विच ऑन योर एसीज इन दैट मंथ। तो मैथमेटिक्स क्योंकि लिख करके करने वाला ये बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है आप फिजिक्स केमिस्ट्री, बिकॉज आपको अगर बैठ करके रीड आउट करना है या बाकी और कोई सब्जेक्ट्स हैं वो रीड आउट करने हैं, तो आप रजाई में बैठ करके बहुत अच्छे से रीड आउट कर सकते थे। बट मैथमेटिक्स के लिए यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू सिट ऑन अ चेयर ऑन अ टेबल, क्योंकि बेड पे बैठ करके करते करते या तो आपके गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या आपके क्योंकि प्रॉपर एक सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बैठ पाता, क्वेश्चन आपको लिख करके ही करने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पॉजिटिव पार्ट है। दूसरी चीज, अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम इसको शुरू कैसे करें, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट। तो पहली चीज, स्टार्ट विद इजी टू डिफिकल्ट। और हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद अ डिफिकल्ट वन और फिर हमारा मूड ऑफ हो जाता है। सी, यू हैव 15 चैप्टर्स हैं आपके पास, डेफिनेटली आई एम डेड श्योर कि आपके इन 15 चैप्टर्स में से नाना करते भी आपको 4 से 5 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको इजी लगते होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपके वेल प्रिपेयर्ड हैं, बट इजी लगते हैं कि यस, इफ आई रीड देम, इफ आई स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, इनके कंसेप्ट को एक बार दोबारा से या फॉर्मूलाज को एक बार दोबारा से देख लेंगे, तो डेफिनेटली मैं इनमें बहुत अच्छा करने वाला हूं। तो गो विथ इजी टू डिफिकल्ट मोड। इजी टू डिफिकल्ट मोड में जब जाएंगे तो आप जब भी इजीनेस के साथ स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 आपका पेस बेटर होता चला जाता है और आप ज्यादा बेटर परफॉर्म करने लायक हो जाते हैं। तो आपका जो भी चैप्टर, जो भी, डोंट गो विथ चैप्टर नंबर 1 आज करना है, फिर 2 करना, 3, 4, 5 एंड 15, नो इश्यूज, बिकॉज आपने एक बार सभी चैप्टर्स को सुना है या तो, या आपने उनको कहीं ना कहीं किसी भी लेवल के ऊपर ऑब्जर्व किया है, आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू किया हो सकता है आप अपने ट्यूशन के थ्रू किया हो, या ऑनलाइन मोड के ऊपर आपने गो थ्रू एक बार किया हुआ है, तो आपको इतना अंदाजा जरूर लग गया होगा कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको एक या दो बार रीड आउट करने से अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी और यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दोज चैप्टर्स। तो पहले वो इजी चैप्टर 4 to 5 अपने उठाइए, उसके बाद फिर लेस डिफिकल्ट, उसके बाद फिर मोर डिफिकल्ट। ये कंसेप्ट अगर आप उठाएंगे, इसको 3 पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड कर दिया, इजी, लेस डिफिकल्ट और डिफिकल्ट। सो 5 चैप्टर्स हियर और 5 चैप्टर्स हियर एंड 5 चैप्टर्स हियर एंड डन।
आपने इसको तीन हिस्से में डिवाइड कर दिया, आपने फुल सिलेबस को, आपने पांच चैप्टर पहले तैयार कर लिए जिसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया। नाउ गो फॉर दोज फाइव चैप्टर्स जो आपको थोड़े कम डिफिकल्ट लगते हैं, और उन चैप्टर्स को तैयार करने में हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको डिवोट करना पड़े, बट डिवोटेड दैट्स योर टाइम एंड यू आर डिवोटिंग इट फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए ही कर रहे हो। तो एक तो अपने माइंड से ये फियर निकाल दो कि क्या मैं वन मंथ के अंदर कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर सकता हूं। यस फॉर श्योर इफ यू हैव अ विलिंगनेस टू डू इट। जिनके अंदर ये विलिंगनेस है करने की वो डेफिनेटली, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे आपको, आपके स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि जिस वक्त भी हमारे पास डेटशीट आती है देन वी गो थ्रू द सिलेबस, यानी वही वन मंथ और वन एंड हाफ मंथ पहले। जो रेगुलरली कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपना सारे टॉपिक्स को थॉरली रिवाइज करते चले जाए, बिकॉज देयर वर्क जो आपने पहले कर दिया, और अगर अब आप थोड़ा सा स्लैकनेस ले आएंगे अपने वर्क में तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आई रिक्वेस्ट आप अपना एक शेड्यूल जो आपने बनाया, चाहे 1 आवर का, 2 आवर का, जो भी आपने बनाया है, यू जस्ट कीप गोइंग विद दैट, डू नॉट ट्राई समथिंग एल्स और न्यू। लेकिन जिनको अभी तैयार करना है उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड दैट विल गिव यू बेनिफिट ऑल्सो। तो इसलिए एक तो ये माइंड से निकालो कि नहीं होगा, यू विल बी एबल टू डू इट, मुझे पूरा यकीन है आप लोग करते चलेंगे। और अब मैं आपके साथ हेल्प के लिए हूं, आई विल बी डूइंग ऑल दीज चैप्टर्स एज द रिवीजन विद इन 1 or 2 वीडियोस। कोई बड़े चैप्टर्स हैं तो विल टेक 3 videos or 4 videos ऑल्सो फॉर द रिविजन पार्ट, सो डोंट वरी, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स जो प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, जिनकी वजह से हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, या जो चीजें हमें स्पेशली दी फॉर्मूलाज इन क्लास प्लस टू एंड इन टेंथ ऑल्सो वी फॉरगेट दी फॉर्मूलाज, फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो आपको वो पिक्टोरियल वे में याद रखने की जरूरत है। बिकॉज पिक्चर जो भी हम मूवीज देखते हैं, जैसे मूवीज पूरी स्टोरी सुना देते हैं या 3 घंटे की मूवी, और हम किसी को 5-5, 6-6 घंटे तक फुल डायलॉग्स के साथ सुना पाते हैं, बिकॉज वी हैव वॉच्ड दैट प्रॉपरली। तो हियर ऑल्सो वॉच द वीडियोज वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ देम। तो एक तो अपने माइंड में सेटल कीजिए कि इट इज नॉट डिफिकल्ट। जब तक आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि ये मुश्किल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, मुझे अच्छे से मालूम है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट और फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स आई एम वाचिंग द स्टूडेंट्स एंड आई एम डिस्कसिंग व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे फेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो क्या क्या बातें आती हैं कि सर हम बिल्कुल मूड से बैठते हैं कि अब हम मैथ्स करने जा रहे हैं, मैथ्स की बुक ढूंढते हैं बिकॉज हमें नहीं मालूम है कहां रखी हुई है, बुक ढूंढते हैं, उसके बाद हम नोटबुक ढूंढते हैं, उसमें भी हम 15-20 मिनट लगाते हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेन ढूंढते हैं, मिलता ही नहीं है। सम टाइम वी टेक नियर अबाउट 30 मिनट्स की भाई 30 मिनट से हम पेन ढूंढ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे मिल गया है हमें। अब इतनी मेहनत करने के बाद सबसे पहली चीज अपने को याद आती है, अरे भाई मैं पहले पानी पी लेता हूं, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर के स्टडी करेंगे। पानी पीने के बाद अपने को याद आता है लेट्स सी कि क्या कुछ फ्रिज में तो नहीं रखा खाने पीने का, थोड़ा सा खा पी करके बैठते हैं। तकरीबन वी स्पेंड नियर अबाउट 40-45 minutes ऑन दीज थिंग्स, और फिर जब हम अपना टाइम देखते हैं ना, टाइम वहीं से स्टार्ट किया था जब हमने बुक ढूंढनी शुरू की थी, ओहो हम तो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। भाई आपका काम टाइमिंग के साथ नहीं चलेगा। आपका काम कैसे चलेगा, यू हैव टू डिसाइड कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 व्हाटएवर, कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करके ही उठना है, तब आप ये काम कर पाएंगे। सो डोंट रिलाई ऑन द टाइम, टाइम के साथ नहीं जाइए, आपको टॉपिक्स के साथ अब चलना होगा कि मुझे ये टॉपिक करना है, इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन आई टेक अ ब्रेक 2 minutes, 3 minutes, आई हैव वाटर, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, और प्लीज डू नॉट ईट एनी फ्राइड थिंग्स दीज डेज।
कोशिश कीजिए फ्राइड चीजें ना खाएं आप, बिल्कुल फ्रूट्स पे रहें, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स पे रहें, और घर का खाना चपाती दाल चावल जो भी आपके घर में मम्मा प्रिपेयर कर रही है आपके लिए, तो वो आप अगर आप नॉर्मल डाइट के ऊपर रहेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन बेटर होगी। जितना आप फ्राइड चीजें खाएंगे या बाहर से मंगवाई चीजें खाएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है, प्लीज अपने माइंड में सेटल रखिए। और जिस वक्त भी सुबह उठते हैं हर रोज प्लीज टेल योरसेल्फ कि आज का मेरा ये टारगेट है, एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप आस्क योरसेल्फ वेदर आई हैव कंप्लीटेड दैट टारगेट और नॉट। इफ यू हैव कंप्लीटेड देन गिव अ पैट टू योरसेल्फ, यस आई हैव डन इट गुड, एंड इफ यू हैव नॉट डन इट प्लीज डू नॉट स्लीप विदाउट कंप्लीटिंग दैट, कंप्लीट दैट टारगेट फर्स्ट एंड देन गो टू स्लीप। ये अगर आप अपने साथ रखेंगे आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर रिविजन विद इन दिस मंथ। और आपको कोई भी टॉपिक चाहे वो 10th से रिलेटेड है, चाहे वो प्लस 1 से रिलेटेड है, प्लस 2 से रिलेटेड है, 9th से रिलेटेड है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज डू कमेंट मी ऑन माई चैनल एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर दैट। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आती है कहीं पर भी किसी पूरे वीडियो में कोई बात, तो जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है नोट डाउन द टाइम ऑफ द वीडियो टाइमलाइन के अंदर से और कमेंट विद द टाइम स्टैम्प सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड किस पॉइंट पे आपको बात नहीं समझ में आई। किस जैसे आपके पास 3 मिनट और 42 सेकंड पे आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो राइट डाउन 3:42 एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लाइन राइट डाउन दैट लाइन ऑल्सो I'll be able to understand what is the problem so that I can give you the correct answer which is expected by you. So please all the best, start कीजिए, डर अपने दिल से दूर कीजिए, very easy subject, very very enough time, don't worry that you'll be able to do or not, इस thinking को हटा करके start कीजिए और आगे बढ़िए। Thank you very much.